नमस्कार, आप देख रहे हैं खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पेनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम के इर्द गिर्द जो तमाम सवालात या फिर जो तमाम कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं या विरोधाभासी बयान आ रहे हैं उनको लेकर कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि कुरान हदीसों में क्या लिखा हुआ है, उनकी इंटरप्रिटेशन ये आपके सामने रखें ताकि आप सही राय सही जानकारी हासिल कर सकें। और हमारे पूरे पैनल के विचार जो हैं वो उनके निजी विचार होते हैं और हम फिर भी आपसे कहते हैं एक्सपर्ट्स की कमेंट सुनने के बाद भी आप अपने स्तर पर रिसर्च करें, बातचीत करें और फिर कोई राय बनाएं। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये कि आखिर बार बार सर तन से जुदा की धमकी क्यों दी जा रही है। सर तन से जुदा की धमकी सूफी संतों को भी मिल रही है, आम लोगों को भी मिल रही है और इस धमकी का एक्शन भी हमने देखा है, उदयपुर हो महाराष्ट्र हो। तो सवाल ये है कि क्या कहीं कुरान हदीस में सर तन से जुदा की बात लिखी हुई है? क्यों बार बार इस तरह की कट्टरपंथी भरी धमकियां एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी साहब हैं, इस्लाम के जानकार हैं, सूफी कौर हसन माजिदी साहब हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खाना का एसोसिएशन के। हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम के जानकार हैं, पंकज जी हैं, पंकज त्यागी जी हमारे साथ पीड़ित हैं जिन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिली है और यहाँ पर सूफी माजिदी साहब को भी धमकी मिली है सर तन से जुदा की। सबसे पहले सूफी माजिदी साहब आपसे जानना चाहूँगी, अभी तक ये लगता था कि भाई वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, इस्लाम से जुड़े हुए नहीं हैं, दूसरे धर्मों के हैं, उनको सर तन से जुदा की धमकी मिलती है, लेकिन आपको क्यों मिल गई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इसका जवाब मैं दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग गौर से हमारी बात को सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। आज से 1400 से भी अधिक साल पहले भी सबसे पहले जो इस्लाम में सर तन से जुदा किया गया था वो पैगंबर साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कर्बला के मैदान में सर तन से जुदा किया गया था। इस्लाम के नाम पर खुद को मुसलमान कहने वाली एक विचारधारा जो कि इस्लामी मूल्यों के विपरीत, इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, लेकिन एक वो विचारधारा जो अपना एक निरंकुश और क्रूर और खूनी शासन पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहती थी, उस विचारधारा ने इस्लामी लिबादा ओढ़ करके हजरत इमाम हुसैन को का कत्ल किया, उनका सर तन से जुदा किया। वो परंपरा आज तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। अपने विचारों के विपरीत लोगों का वो विचारों से जवाब ना दे करके सीधे सीधे यही काम करते हैं, सर तन से जुदा करने की उनकी पॉलिसी है। जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिमों का सेक्ट है जो इतना एग्रेसिव है और ये परंपरा जो है 1400 साल पहले भी सर तन से जुदा हुआ था इस्लाम में, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती है? जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत सबसे पहला जो सर तन से जुदा हुआ था वो कर्बला के मैदान में पैगंबर साहब के बेटे हजरत इमाम हुसैन का सर जुदा करने का गुनाह क्या था? गुनाह क्या था उनका? उनका गुनाह तो हम ये शब्द गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने बातिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने सही इस्लामी नियमों के विपरीत कार्य करने वाले यजीद इब्ने माविया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यजीद का ये मानना था कि अपनी बहन के साथ निकाह किया जा सकता है, अपनी बुआ के साथ निकाह किया जा सकता है, वो शराब को जायज करार देता था, नमाज की फर्जियत से इनकार करता था। जी माजिदी साहब, आपको क्यों सर से तन से जुदा की धमकी मिली? आप तो सूफी हैं, सूफी संत तो अमन की बात करते हैं और आप खुद इस्लाम को मानते हैं, तो आपको क्यों धमकी मिली, मैं वजह जान सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, अगर बल्कि हमको जो धमकियां मिली इसके कारण पे जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खबरें अगर किसी ने चलाई है तो आपके चैनल ने ही चलाई है, प्रमुखता के साथ हमारी बातों को उठाया है और हमको जो धमकियां मिली, सर काटने की धमकियां मिली उसके बारे में आपके चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाया। हमारा एक मुद्दा ये कि इस्लाम के नाम पर जो कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर जो अवैध फतवे दिए जाते हैं, इस्लाम के नाम पर जो ये कहा जाता है कि किसी हिंदू को होली की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और किसी मतलब हिंदू के कार्यक्रम में शामिल होने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो ऐसी विचारधारा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर संविधान चल रहा है तो संविधान के सामने ये जो फतवे और अवैध फतवा फैक्ट्री चल रही है ये तो पूरी तरीके से हमारे देश की विधि कानून और संविधान का उल्लंघन करती है, तो इन पर कार्रवाई हो और ऐसे तत्वों को का मतलब जो है वो मुस्लिम समाज भी बहिष्कार करे, इनके बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। तो
ये सब आवाजी प्रमुखता के साथ उठाने के कारण इन कट्टरपंथियों के द्वारा जो है बराबर हमको दबाया जा रहा है और सरतन से जुदा करने के धमकी दिए जा रहे हैं। पंकज जी, आपको क्यों सरतन से जुदा की धमकी मिली? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका चैनल हमेशा इस बात को उठाता रहा है, उठा रहा है। और मैं श्री महंत मारतंड पशुपति हूँ इस समय। अच्छा, वैसे मेरा नाम पंकज त्यागी है। देखिए मैं हमेशा हिंदुत्व की बात करता हूँ। मेरा धर्म सनातन धर्म है जिसको मैं बढ़ाने की बात करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अभी और आपके माध्यम से उन लोगों को जो अपने को जिहादी कहते हैं, वो गीदड़, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, ठीक है। और अगर नूपुर जी का साथ देना अगर गलत है तो ये मेरा गुनाह है। भाई स्वर्गीय कन्हैया लाल के बारे में पक्ष रखना मेरा अगर गुनाह है तो ये गुनाह मुझे मंजूर है। लेकिन हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त बहुत हो चुका। हिंदू या सनातन धर्म अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। हम कल इस तरह को कोई प्यार की बात करेगा सर, कि हम सुना सर, मैं सिर्फ यहाँ पर किसी तरह की एग्रेसिव बात नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक पीड़ित के तौर पर मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है कि आपको धमकियां क्यों मिली, क्योंकि आपने कन्हैया लाल और नूपुर का साथ दिया था, उनके लिए आवाज उठाई थी। मैं सही समझी हूँ? हाँ, ठीक है। और मैं हमेशा रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए आपको सरतन, मेरे देश का मुस्लिम मेरा है, ठीक है। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, भाई ये सरतन से जुदा इस्लाम में कहाँ लिखा है जी? और किन किन बातों पे हो सकता है सरतन से जुदा, और कौन कर सकता है सरतन से जुदा? देखिए मैडम, मना है उठा के सरतन से जुदा कर दे। पहले ये बताता चलूं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हदीस शरीफ में एक हदीस ये है, मन सब नबीयन फक्तुलुहु, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी उसका कत्ल कर दो। अब मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ कि यह हदीस किस दर्जे की है? हदीस का दर्जा देखा जाएगा, क्या यह हदीस मुतवातिर है, क्या यह हदीस मुत्तफ़क़ल है, क्या यह हदीस कुदसिया है जिस पर अमल किया जाए। यह हदीस हदीस में तो है लेकिन यह हदीस इस लायक नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, ये तमाम के तमाम इस्लाम के तमाम जो कानून है वो कुरान और हदीस के नज़रिए से बने हैं। मैडम, हर चीज़ कुरान और हदीस से कोट की गई है, और हमारे जो क्या नाम है, हम जिनकी इक्तिदा करते हैं उनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने तमाम कानून की किताबें कुरान और हदीस से कोट की है और उन्होंने कानून बनाया है। ये मन सब नबीन फ़क्तलू हो, ये आवाम के लिए नहीं है बल्कि ये हुकूमत के लिए है, ये अदलिया के लिए है कि अदलिया इस बुनियाद पर इंसाफ करे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली देता है तो उसको कत्ल करने का हुक्म लगाए। आवाम के लिए नहीं है कि आवाम रोड पर निकलकर और तेज तर्रारी के साथ वो नारा लगाए कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये आवाम का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर किसी का पर्सनल व्यू है तो उसको पर्सनल रहने दिया जाए, ना कि उसको इस्लाम से जोड़ा जाए। यार, यति नरसिंहा नंद ने कल एक बयान जारी किया बम और बारूद वाला, तो मुसलमानों ने वो हिंदुओं का बयान नहीं समझा, वो यति नरसिंहानंद का बयान है। हो सकता है उन्होंने नशे की हालत में बयान दे दिया हो। किसी का पर्सनल बयान वो इस्लामिक बयान नहीं होता, या किसी का पर्सनल बयान वो हिंदुओं का बयान नहीं नहीं लिखा है कि अगर आपसे जो साफ साफ कोई गुस्ताखी हो जाए तो सरतन से जुदा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान हदीसों में ऐसे कहीं नहीं लिखा है, और जिस हदीस में लिखा भी है उस हदीस को किस दर्जे की आप मान रहे हैं ये देखिए। यानी एक बड़ा तबका ऐसा है, बस 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 मैं यही बोल रहा हूँ, वो हदीस इस दर्जे की नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। तो फिर उस हदीस को हटा क्यों नहीं देते, उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? किया जा सके तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? हदीस है लेकिन वो अदलिया के लिए और हुकूमत के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अगर एक हदीस में गलत चीज है तो आप मुहद्दिस बन जाइए। सर देखिये, आप जैसी, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप समझिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक चीज़ है जिसको लेके लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको कट्टरपंथ या सरतन से जुदा का पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पांच उंगलियां बराबर नहीं होती तो कोई लोग गलत फायदा भी उठा रहे होंगे, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरह की हदीसों को खत्म करने का या उनको कंडम करने का कोई तरीका नहीं है?
देखिए, हम इस्लामिक कोर्ट चलाते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस्लामिक कोर्ट मेरे वालिद मोहतरम सैयद रईस अशरफ़ी जीलानी यहाँ के काजी हैं, छत्तीसगढ़ काजी हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से या हम अपने इस्लामिक कोर्ट के माध्यम से हमने 12 इस तमाम बातों का विरोध किया है और खुल के विरोध किया है कि आवाम अहले सुन्नत या आवाम मुस्लिम इस तरह की कोई भी बातें ना करें, क्योंकि ये हदीस आवाम के लिए नहीं है बल्कि हुकूमत और अदलिया के लिए। अदालत में ये बात जाए और काजी उसकी बुनियाद पर फैसला करे, यानी अदालत का जज, वो अदालत के जज को एक गुहार है, वो आवाम के लिए नहीं है। हमने 12 बयान जारी किया है। हाँ, हमें अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें अवेयरनेस लाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं कि इस तरह की कोई बात आवाम उन्नास में ना जाए। समीर, ये बातें नहीं है और इसको धीरे धीरे कंडम किया जा रहा है। ये सिर्फ एक हदीस में लिखा हुआ है और जो लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी किसी कुरान में किसी आयत में जिक्र नहीं है। और जिस हदीस में लिखा भी है वो कह रहे हैं कि उसका दर्जा देखिए, इससे लोगों को गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, पर आप तो कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। कैसे पड़ गया है ये? समीर से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं समीर के पास दोबारा आऊंगी। जिलानी साहब, लेकिन एक बात बताइए कि जब मस्जिदों के बाहर बड़े बड़े समीर से पूछिए, मैडम समीर से ये पूछिए कि समीर ने कल भी वो डिबेट में ये बात की, समीर ने कल भी डिबेट में बात की, मन बद्दल दीन फक्तुलू या मनसब नबीन फक्तुलू। मैडम हदीस कोट करना, ईमानदारी नहीं है या दयानतदारी या जहनीत नहीं है। हदीस किस दर्जे की, उस हदीस पर अमल किया जा सकता है कि नहीं, ये इस बात पर जोर दिया जाए। मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई हदीस अमल के लायक नहीं है तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता? जी, कुछ ऐसी हदीसें भी है ना जिनको नहीं माना जाता है, जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जहाँ तक मेरी समझ में ज़ईफ बात है। मैडम, जब वो मुत्तफ़क़ल है नहीं है, जब वो मुतवातिर नहीं है या हदीस कुदसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे के दर्जे की होगी, और जब नीचे के दर्जे की होगी तो जाहिर सी बात है उस पर अमल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कुरान में नासिक और मंसूख दोनों आयते हैं, जो मंसूख आयते हैं उस पर अमल नहीं किया जा सकता, कि हमें उर्दू और जो आयते हैं उन पर अमल किया जाए, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है समीर जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। आपने जिलानी साहब को सुना, उर्दू नहीं आती तो आप चैनल से चले जाएं, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक सेकंड जिलानी साहब, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी राय रखी है, चैनल पर सबको बैठने का हक है। जैसे मैंने आपको बहुत ही पूरे सम्मान के साथ बैठाया है, तो पूरे सम्मान के साथ मेरे बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो उठ के जाने के लिए आपको भी नहीं कहा जाएगा ना, तो आप उसको संयम रखिए। वो पूरे जज्बात में, मैं भी आज पूरे जज्बात में हूँ मैडम। समीर जरा बताइए, मुझे समझाइए कि यहाँ पर जिलानी जी कह रहे हैं, जज्बात में तो हम भी पूरे जज्बात। ठीक है, जिलानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो हदीस में सरतन से जुदा का जिक्र है उसमें एक प्रोसेस है और वो हुकूमत के लिए है, वो आवाम के लिए नहीं है, और गलत इंटरप्रिटेशन होता है, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। असल में बिल्कुल ये सही बात है, इसका इनकार नहीं करता कि वो जो हदीस है वो एक ज़ईफ़ हदीस है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो हदीस क्या है, सवाल ये है कि लोग जो है उसी हदीस को अमल में ला करके लोगों को कत्ल भी करते हैं, लोगों की जान भी लेते हैं, और ये तमाम मुसलमान ही करते हैं जो हदीसों कुरान पर यकीन रखते हैं। जहाँ तक बात हदीसों की है, तो हदीसों के मामले में तो अब हमारे उलमाए कराम जो है दर्जे बताने लगे हैं कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मजरूह है, ये मौजू है। तो लेकिन कुरान की आयतों में किस तरीके से आप लोग दर्जे बनाएंगे? लगता है मौलाना साहब ने कुरान की आयतें या तो पढ़ी नहीं है या जहन में नहीं है। मैं इनकी याद ताज़ा कर देता हूँ। कुरान की एक आयत है जो युहारिबून करने वालों के, हर्ब करने वालों के मुतालिक बयान की गई है। इसके अंदर एक लफ्ज़ आता है युहारिबून। पहले मैं आयत पढ़ता हूँ। ये आयत है, मन अज़ला ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल इन्नहु मन कतल नफ्सिन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़। ये वाली आयत है 32, और इसको बड़ा कोट करते हैं कि ये इंसानियत के जो है, इंसानियत की बात करती है, लोगों को कत्ल क़िताल के बारे में बात करती है। लेकिन उसी के बाद की जो 33 नंबर की आयत है इसकी, सूरह अत्तौबा की, वो हमारे जो है हुजूर नहीं पढ़ते ना बयान करते हैं। ये कहती है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम उसका तर्जुमा अर्ज़ुहुम मिन खुल्फिन। सुन लीजिए, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला।
من ارض ذلك لهم جزيه في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم سورة التوبه کی آیہ نمبر 33 ہے تو یہ بیان کرتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرب کرے گا یحاربون کا لفظ آیا ہے حرب کے اندر ہر طرح کا وہ عمل آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جیسے کہ ان کے خلاف جنگ کرنا ان کے خلاف سازش کرنا ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ دینا ان کے خلاف جنگ کی سازش کرنا اور سازش کرنے والوں کے ساتھ اپنا جو ہے یوگدان دینا اپنا ہاتھ اس کے اندر بٹانا یا اس کے علاوہ اسلام کو چھوڑ دینا اپوسٹیسی اختیار کر لینا اسلام سے پھر جانا یہ سارے کے سارے عمل یحاربون حرب کے اندر آتے ہیں تو جو ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اس کو سولی چڑھا دیا جائے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں مختلف سمتوں میں یعنی کہ الگ الگ دشاؤں میں کاٹ دیے جائیں اور الگ الگ دشاؤں میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور یہ سزا ہے اس کی دنیا میں اور مرنے کے بعد اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ قرآن ہے آپ حدیثوں کے اندر درجے بتا سکتے ہیں آپ قرآن کے اندر کیا درجے بتائیں گے مجھے یہ 9:33 سمجھائیں چلیے بتا دیں چلیے بتا دیں میری بات سمجھیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 جو آپ نے کوٹ کی اس کا ترجمہ کیا ہوا اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کی جان کا قتل کرے سزا کے طور پر یا فساد کرنے فساد پھیلانے کے طور پر بڑی بہترین جلیبی بناتا ہے کہ یہ انسانیت کی بات کر رہی ہے تو اس نے سارے انسانیت کا قتل کیا میں 33 کی بات کر رہا ہوں میں 33 کی بات کر رہا ہوں بات سنو وہ کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 سمجھائیں سنیے نا وہ 33 میری بات سنو جیلانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 33 آپ 32 پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 33 پڑھیں مرتد میری بات سنو پہلے جی مرتد سے بڑی تکلیف ہے انہوں نے سب سے پہلے 32 پڑھا جس کا ترجمہ نہیں کیا جس کا ترجمہ صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کا قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل 32 پہ بھی بات کریں گے 33 پہ بات کرو پہلے 32 میں جو جلیبی ہے وہ بات کریں گے ہم 33 پہ ہی بات کرتے ہیں 33 کیا کہتی ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يصلبوا ان تقطع ايديهم اس کو مارو قتل کرو سولی چڑھا دو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو تمہارے غلام نہیں ہے 33 کا ترجمہ بتائیں مجھے 32 پہ بعد میں جانا 33 کیا کہتی ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح لکھا ہے لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ بھی بتاؤ یہ کس کے لیے حرب کرنے والوں کے لیے انما جزاء الذين يحاربون یحاربون حرب کرنے والا کون ہے یحاربون حرب سے نکلا ہے حرب میں نے بتا دیا ہر طرح کا عمل ہے اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا گستاخی کرنا بھی ان کو گالیاں دینا بھی اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا کرنا بھی ہر طرح کا عمل ہے ہر طرح کا عمل یحاربون کے اندر آتا ہے اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا اس زمانے کو چھوڑیے یہ قرآن کی آیت اس زمانے میں یہاں آ پر ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ صرف اس زمانے کے لیے ہے تو یہ آج نکال کر پھینکے اپنے قرآن سے کیوں پڑھتے ہیں آج اسے پڑھ رہے ہیں نا تو پڑھ رہے ہیں نا مان بھی رہے ہیں نا تو یہ مان بھی رہے ہیں نا یہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ مرتد کیوں ہو گئے ہیں نا تو پھر یہ اس زمانے کا مطلب کیا ہے اگر آپ میں ہمت تھی تو نکال لیں اگر آپ میں ہمت ہے تو قرآن کی آیت نکال لیں نہیں ہم نے آپ سے کیا کہا ہم نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو آج پڑھتے ہیں آج مانتے ہیں تو پھر یہ مت کہیے کہ اس زمانے میں یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے قرآن قیامت تک کے لیے اس میں کوئی وقت نہیں ہے شان نزول کیا ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا جن کو آپ کے رسول اللہ نے قتل کروایا یہ شان نزول ہے آپ شان نزول بتائیں آپ شان نزول بتائیں اس کا کچھ اور ہے اس کے علاوہ جو میں بیان کر رہا ہوں رسول اللہ نے قتل کچھ لوگوں نے اسلام کو اختیار کرنے کے بعد شرم آتی چھوڑ دیا شرم آتی ہے رسول اللہ نے قتل کروایا بے شرم بے غیرت کے ان کی آنکھیں پھڑوا دی گئی اگر بہتان تراشی کیا حضور پر ان کی زبانیں کٹوا دی گئی حضور پر بہتان تراشی کی آپ مجھ سے آپ مجھ سے سمیر مرتد اگر تم نے حضور پر بہتان تراشی کی تو خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا میں وہ بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک ریفرنس میں لکھی ہوئی ہے اگر گستاخی کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں اور آپ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی دھارمک بھاونا کو آہت نہ کریں آپ کسی طرح سے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کریں آپ پیغمبر صاحب کی شان میں گستاخی نہ کریں ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے انشاءاللہ تو گستاخی کا الزام لگاؤ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی میں نے قرآن کی آیت پڑھی شان میں گستاخی کرو گے زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی
हम धमकाइए मत, जिलानी साहब, कत्ल करवाया। जो हुजूर ने, जिस हुजूर ने, जिस हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया वो कत्ल करवाएंगे। जिस हुजूर ने जंगे खंदक में खंदक खिंचवा कर दुश्मनों को रोक दिया वो कत्ल करवाएंगे। अस्मा बिनते मरवान का कत्ल किसने करवाया? किसने कराया? एक सेकंड समीर, समीर, तुम्हारे बाप ने, समीर, समीर, देखिए कत्ल का कत्ल, कत्ल मत बोलिए, हो सकता है वो सजा हो उस वक्त। तुम्हारे बाप दादाओं ने जी नहीं, काब बिन अशरफ को जंग में नहीं आया था, काब बिन अशरफ कोई लड़ाई में आप नहीं आया था। समीर, समीर, मैंने आपसे कहा, समीर, आपने आपसे कहा, आप किसी के भी ईष्ट को आप इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे। समीर, समीर, तमीज से जिलानी साहब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मैडम, मैंने जिलानी साहब, जिलानी साहब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मैं भी उनको बोल रही हूँ, उनको रोक रही हूँ। मैंने मना किया कि उसको मत बैठाला करो, उसको हुजूर किसान में गुस्ताखी कर। समीर, समीर, आप समीर, समीर, आप प्लीज, मैं आप समझिए, समीर, आप पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप अपने तरीके से इस्लाम को पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और मोहब्बत करने वाले पैगंबर साहब से करोड़ों अरबों लोग हैं। तो प्लीज समीर, आपने जिसको छोड़ दिया कम से कम उसका सम्मान करना सीखिए। आप अपने, आप अपनी जुबान को है, आप कह रहा हूँ मैडम, मेरी बात को जानने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सर, मैं सर, आप, मैंने जिलानी साहब, एक मिनट रुकिए, आपकी भाषा पे कंट्रोल रखिए। समीर, आप प्लीज, मैंने कहा ना, आप तर्क की बात कीजिए, आप किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होगी। हुजूर, आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। समीर, मुझे डिबेट से आपको हटाना पड़ेगा। समीर, एक मिनट, मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। समीर, एक सेकंड रुकिए। माजिदी साहब, माजिदी साहब, समीर क्या कह रहे हैं और जिलानी साहब कह रहे हैं, आप थर्ड पार्टी हैं, क्या है कहानी, जरा समझाइए। देखिए, ऐसा है ना कि जो बातें आ रही हैं, जो बातें लेकर के आ रहे हैं कि कुरान की एक आयत को उन्होंने कोट किया, ठीक है ना। देखिए, हर धर्म का अपना एक नियम होता है, हर धर्म का धर्मशास्त्र होता है, उसके अनुसार निर्णय किए जाते हैं, ज्यूडिशरी बनाई जाती है। लेकिन उसी आयत के समानांतर दूसरी आयत, जैसा कि अशरफ साहब ने पढ़ी, सूरह माईदा की आयत थी कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यहाँ किसी दंड शास्त्र को व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे वो मन सब्बा नबियन फकतुलहू हो या वो 33 नंबर आयत हो, ये चीजें भारत में लागू ही नहीं होती, चाहे वो कुरान में लिखी हो, चाहे किसी में लिखी हो। जब भारत में, भारत का संविधान है, भारत का कानून है, जब वो चीज यहाँ पर लागू नहीं होती तो उस पर बिना वजह उल्टी सीधी टिप्पणियां करके एक माहौल क्रिएट करके सनसनी पैदा करके, सनसनी पैदा करके बिना वजह जो है वो माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इन सब चीजों का, चाहे मनसब्बा नबियन फकतुलहू हो या वो जो हरफ वाली बात उन्होंने की गई हो, वो सब चीजें जब भारत के संविधान और कानून के सामने भारत में लागू हो ही नहीं रही हैं, तो उस पर इस तरीके की चर्चा करने से और ना करने से क्या फायदा, क्या नुकसान? माजिदी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो चीजें भारत में लागू नहीं है, हो सकता है दुनिया के दूसरे देशों में लागू नहीं है। हम इस्लाम की नजर से समझना चाहते हैं, क्या ऐसा इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा करे, अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करे तो, और माफी भी मांग ले, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माफी नहीं है बल्कि उसको सर तन से जुदा कर दो, उसे मार डालो, उसका कत्ल कर दो अगर कोई इस्लाम छोड़ दे, क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है या फिर उसकी गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जा रही है और ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार? एक 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 साफ साफ हदीस मिलती है कि जिसमें एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस पर ज्यूडिशरी ने नियम लागू किया गया उसको सजा देने का, लेकिन वो शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने जो अमल है उससे शर्मिंदा है, क्या हमें माफी मिल सकती है? आपने उसको अपने दामन में जगह दी, उसको गले से लगाया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। किसी से अगर कोई गलती हो रही है और वो रुजू हो गया है, पलट आ गया है, सबसे पहली मिसाल तो मिलती है करबला के मैदान में कि मुहर्रम की 10 तारीख को हुर नाम का एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था और इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आया था, उनका कत्ल करने के लिए आया था, जंग के आखिरी लम्हात में मुहर्रम की 10 तारीख को वो इमाम हुसैन के पास आया और कहा कि ए इमाम हुसैन, क्या हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, हम अपनी गलती से रुजू कर रहे हैं, क्या हमको माफी मिल सकती है? तो आपने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं।
तुमने जो जो अमल किया, जो तुमने गलत काम किया, तो उससे शर्मिंदा हो और तुम उससे माफी मांगना चाहते हो तो उसको माफी मिल सके। जो शख्स कत्ल करने के इरादे से आया पैगंबर, जबकि ये मामला है कि जिसने पैगंबर के बेटे को कत्ल किया उसने खुद पैगंबर को भी कत्ल किया, तो ये इन सब चीजों से साबित होता है कि इस्लाम सिला रहमी की बात करता है, इस्लाम रहम दिली की बात करता है। अब अपनी तरफ से कोई चीज कोई जोड़ दे, सनसनी पैदा करे, ये उसकी अपनी मर्जी। ठीक है जिलानी साहब, यहाँ पर सूफी साहब ने बताया बहुत अच्छे से, बाकायदा हदीस का हवाला देकर बताया कि खुद पैगंबर साहब ने भी माफी दी है अपने शान में गुस्ताखी करने वाले को, जब उसने अपनी गलती पर क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी, उसने कहा मुझसे गुनाह हो गया है। तो फिर नूपुर शर्मा या कोई दूसरे लोग जो ऐसा गुनाह करते हैं तो उनको माफी क्यों नहीं दी जाती? क्यों उदयपुर में सरतन से जुदा हो जाता है, क्यों महाराष्ट्र में सरतन से जुदा हो जाता है, क्यों गुजरात में नहीं? मैं कह रही हूँ कि ठीक है शर्मा, एक तो नहीं, उन्होंने गलती की इसमें कोई, उनके बयान से आज भी हम कहते हैं शर्मिंदा हैं, वो बयान गलत था, वो बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने समीर को भी शो से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि जो वो कह रहे थे वो बर्दाश्त नहीं है, वो धर्म छोड़ चुके हैं और सबका हक है, आप माने ना माने लेकिन सम्मान सबको देना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी ने माफी मांग ली है तो फिर उसे माफ क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों जुमे की नमाज के बाद सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं? मैं आपके इस फैसले का मैडम, समीर मुर्तद को आपने निकाला, मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। दूसरी बात, सूफी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, माशाल्लाह मैं उससे मुत्तफिक हूं, इत्तेफाक रखता हूं। तीसरी बात जो आपने नूपुर शर्मा के बारे में कही, मैडम नूपुर शर्मा ने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्ताखी की और ऐसे ऐसे बोहतान तराशी की उस रहमतुल्लाह आलमीन पर जिसके सदके में दुनिया और कायनात का निज़ाम चल रहा है, जिसने नाराज़गी का इजहार सिर्फ मुंह फेर के किया हो, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई हो, मैडम उसके लिए इस तरह की बातें और अय्याशी से बातें जुड़ी हुई बातें उनकी ज़ात से मिलाना मैडम किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम हो सकता है कि किसी मुसलमान ने जज्बात में आकर किसी का सर जुदा कर दिया हो, लेकिन यह सर का जुदा करना ये इस्लाम के कानून में नहीं है मैडम, ना कुरान के कानून में है, ना हदीस के कानून में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में साफ साफ फरमाते हैं कि जो तुमसे रहम की गुहार लगाए उस पर रहम करो, लेकिन जो तुमसे माफी मांगे उसको माफ करो। सलमान रुश्दी ये हुकूकुल इबाद है मैडम, सलमान ये हुकूकुल इबाद है, बिल्कुल आप ठीक है, आपने मुझे अच्छा है आपने बताया कि कुरान हदीसों में कहीं नहीं लिखा है, वहां तो माफी दी जाती है। सलमान रुश्दी को भी कहा है कि हमारे समाज में जैसे मोहम्मद, हो सकता है कि हमारे मैडम हो सकता है कि हमारी जमात में जैसे मोहम्मद की सोच वाले कुछ लोग हों, या लादेन की सोच वाले कुछ हों, या जैसे या तहरीक लब्बैक की सोच वाले कुछ लोग हों, जिस जो इस तरह की हरकत करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। तो जिलानी साहब, सलामती का मजहब जिलानी साहब, तो ये फर्ज नहीं बनता अमन है कि पसंदी का मजहब, इस्लाम में सर काटना मारना हरगिज नहीं है। बिल्कुल जिलानी साहब, आपकी बात सराखों पर, आपकी और सूफी साहब की, क्योंकि आप लोग इस्लाम को ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो जो आप कह रहे हैं हम उसको मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर बार बार इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अगर बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर इस तरह के नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा वाले, तो कहीं ना कहीं ये उकसावे भरी कार्रवाई को आप एंड्रोस कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद उसको जब आप रोकेंगे तब जाके सही छवि आएगी, कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है ना सर? बिल्कुल सही बात है मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बता दें, हमारे मस्जिदों के जो अइम्मा है उसमें बहुत सारे इमाम ऐसे हैं जो उतने ज्यादा काबिलियत, उतनी ज्यादा सलाहियत नहीं रखते, वो हदीस का नाम सुनकर खामोश हो जाते हैं जबकि उनका कोई भी रिसर्च उस पर नहीं होता, और जब कौम इत्तेफाक होकर नारा लगाती है तो वो कौम के साथ हो जाते हैं। इस पर हमको बेहतरीन उलमाए रब्बानीन की जरूरत है, चोटी के उलमा की जरूरत है, जो बहुत चोटी के पायदार और बासलाहियत तालीम हो, उनका एक मजलिस शूरा हो, उनकी एक मजलिस बने, और उसकी मजलिस बनने के बाद उस पर एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हो, और उस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन ऐलान हो कि याद रखो मन सब नबीन फ़क्तुलू हो, ये आवाम वो ये आवाम के लिए नारा नहीं है बल्कि ये अदलिया के लिए, अदालत के लिए और हुकूमत के नुमाइंदों के लिए, ये इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन किसी मस्जिद के बाहर अगर नारा लग रहा है तो याद रखिए मैडम, कोई टोपी लगा के लगा रहा है, कोई दाढ़ी रख के लगा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है अगर ये मुसलमान का नारा है।
मैंने आपको बताया था ना इसके पहले कि यति नरसिंहा नंद ने इस तरह के जो भी बयान दिए इससे पहले डासना के पुजारी ने, और उनसे सीधे बयान दिए, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने उसको किसी हिंदू का नारा नहीं समझा। हमने तो बिल्कुल यही समझा कि वो किसी पागल का नारा है, हो सकता है उनका पागलपन हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उदयपुर में नूपुर के बयान पर सर इसी तरह से मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, गुजरात में हुआ, सर वो भी मामले देखते होंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। अगर सूफी साहब जैसे संत को जो अमन शांति की बात करते हैं, जो खुद इस्लाम का संदेश दुनिया में फैला रहे हैं, अगर उनसे उन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं खुद को भी सोचना होगा कि कहां क्या गलत हो रहा है। क्या कहता है इस्लाम में, आप सभी लोग शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको एक बार फिर से बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा कहीं भी मकसद ये नहीं होता है किसी धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, या कार्यक्रम में जो लोग आते हैं उनके अपने निजी विचार होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका कोई भी बयान किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी इष्ट का अपमान ना करें। और इसी कोशिश में हमने आज समीर की जब बातें जो हैं कहीं ना कहीं लग रहा था जिलानी साहब को सही नहीं है, तो उनसे कहा कि या तो बातें बंद करें या शो छोड़ें, उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया।